आज मैं आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट पे लेटर एप्लीकेशन रिकमेंड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको 30,000 रुपये तक की लिमिट मिल जाती है, और यहाँ पर ये जो लिमिट मिलती है वो आपको 0% इंटरेस्ट पे मिलते हैं। जो भी पैसा इस एप्लीकेशन से आप खर्च करोगे आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है, और बाकी ऐसी अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे सिंपली इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का निकल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप में क्लिक कर देना है। आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा साइन अप वाले बटन पे। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर में क्लिक कर देना है। कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, जस्ट 4 मिनट की वीडियो होने वाली है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी डिटेल आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर जस्ट आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है और कुछ परमिशंस को यहाँ पर रीड करके रीड एंड एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है। बाकी देखिए ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मुझे इस पे लेटर एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके जो चार्जेस है वो सारे बता दिए गए हैं, बाकी मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा कि क्या कैसे इसके चार्जेस हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पर आप रिट्राई जस्ट कर लेंगे, यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना सिंपल सिंपल से स्टेप्स है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और प्रोमो कोड वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डाल देना। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर डाल के आपको जस्ट रजिस्टर्ड वाले बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका ये एप्लीकेशन है जो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो निकल के आएगा, और यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर सीधी बता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने अभी इसे डाउनलोड किया और 2,000 रुपीज़ की जो लिमिट है वो मुझे मिल गई है। आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। ये बेसिकली क्या रहता है ना कि आपके सिविल स्कोर पे निर्भर करता है कि भाई कैसा आपका सिविल स्कोर है उस पे रहता है। बाकी मैक्सिमम कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 30,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है, बट इस लिमिट को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई KYC में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का जो सेक्शन है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है, और SMS भी मुझे रिसीव हो गया है कि मुझे इतनी लिमिट यहाँ पर मिली है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अभी अपने को KYC करनी होगी तब आप इसका जो पैसा है वो उसको यूज़ कर पाएंगे। तो जस्ट आपको कुछ नहीं डालना है, ना पैन कार्ड ना कुछ, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड डालना है। लेकिन ध्यान रहे आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपका ये जो पे लेटर एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो पाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको अपना आधार नंबर डालना है, आपके मोबाइल नंबर में OTP सेंड करी जाएगी जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। जस्ट उसको डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है अलाउ में क्लिक करके, और देन इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। यहाँ पर जस्ट आपको क्या कर देना है, कुछ मतलब और KYC करने के लिए आपको अपनी जो सेल्फी है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड कर देता हूँ, और सेल्फी अपलोड करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के जाएगा, जहाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये फटाफट कर देता हूँ। देख सकते हो आपकी मैंने जो सेल्फी है वो अपलोड कर दी है, और कॉन्ग्रेचुलेसन योर KYC हैव बीन सक्सेसफुली हो गई है मेरी KYC। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस लिमिट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसका पैसा निकालें तो आप अपने कोई भी मर्चेंट फ्रेंड या फिर फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उस QR कोड को स्कैन करके इसका पैसा निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे इसका पैसा हमेशा मर्चेंट अकाउंट में ही जाता है, नॉर्मल अकाउंट में नहीं जाता है। तो नॉर्मल QR कोड मत स्कैन करना, सिंपली आपको यहाँ पर स्कैन में क्लिक करके और सिंपली आपको इस पैसे को विड्रॉल कर लेना है, या फिर आप जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पे लेटर एप्लीकेशन है, और अगर आप इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसकी भी वीडियो बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको उसमें रजिस्टर्ड करके यूज़ करना है। बाकी होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।